नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे होममेड मिक्सचर। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस रेसिपी के बारे में सब कुछ ठीक ठीक पता चले। हम लेंगे एक कटोरी बेसन और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी ज़रूरत मुताबिक डालेंगे। अभी हम बेसन का घोल बनाकर तैयार करके रखेंगे। हम दो प्रकार के बैटर तैयार करेंगे। अभी इसमें हम एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे आप लम्प्स ख़त्म होने तक मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। अभी चलिए बनाते हैं सेव का बैटर। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो कटोरी बेसन, आधा टीस्पून से कम खाने की सोडा ले लीजिएगा और एक टीस्पून के करीब नमक डाल लीजिए। अभी डाल दीजिए दो चम्मच कुकिंग ऑयल, आप किसी भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसके बैटर थोड़ा ठीक होना चाहिए। दोनों बैटर को आप 15 से 20 मिनट रेस्ट करने दीजिए। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक चकला मेकर है। आप देख सकते हैं मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। हाथ से भी कर सकते हैं। अभी हम पतला सेव तलेंगे। मैं इसका जाली अभी लगा दिया है। पहले आप तेल को पूरी तरह से गरम करेंगे। देखिए यहाँ पर तेल पूरी तरह से गरम हो चुका है। अभी मैं सेव डाल रही हूँ। आपके पास जिस तरह की सेव मेकर है आप उसी में कर लीजिए। आधे से एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप इसे दूसरे तरफ पलट दीजिए। बस दो मिनट के अंदर अंदर ये सेव बन जाती है। अभी हम इसे निकाल देंगे। मैंने और एक प्याज सेव डाली थी, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। अभी हम रिबन सेव या फिर रिबन पकौड़ा जिसे कहते हैं, इसका जाली देके आप देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपके पास जितने प्रकार के सेव हैं आप उसी में कर सकते हैं। एक मिनट के बाद आप इसे पलट दीजिए और एक मिनट में ये भी तलकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह की शेप में अभी मैं तलूंगी। अभी मैं बैटर को इसके अंदर भर रही हूँ और एक बार याद दिलाती हूँ, आप तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इसके बाद तलेंगे। सिर्फ दो मिनट लगेगा, आप इसे पलट पलट करके तल लीजिए। अभी हम थोड़ा मोटा सेब तलेंगे। ये देखिए मैंने जाली को चेंज कर दिया है। अभी फ्लेम को मीडियम करके आप इसे एक से दो मिनट अलट पलट करके तल लीजिए। मिक्सचर का और एक हिस्सा है बूंदी, नमकीन बूंदी। अभी हम इसे बनाएंगे।
आपके घर में जो नॉर्मल जार होता है आप उसी में बनाइए, मैं भी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने बैटर को डाल दिया है, आप थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाइए। इस टाइम ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। आपके कढ़ाई में जितना बूंदी आ जाएगी आप उतना ही डालिए, बस एक मिनट लगेगा बूंदी तलने में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। ये देखिए अभी बूंदी तलकर तैयार हो गया है, अभी हम इसे निकाल देंगे। मैं और एक बार डाली थी बूंदी, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। अभी आप मूंगफली को ले लीजिए, आप इसके साथ काजू ले सकते हैं, आलमंड भी ले सकते हैं। देखिए मेरे पास इस तरह की छलनी है तो मूंगफली भूनने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने कढ़ाई पर रख दिया है इसे। अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्टली आप ऑयल में डाल सकते हैं। 2-3 मिनट में मूंगफली भूनकर अभी तैयार हो गया है। फ्लेम को मीडियम करके आपको भून लेना है मूंगफली। अभी हम पोहा को तलेंगे, ऑयल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए अच्छी तरह से। इसे भी मैं इस छलनी की मदद से तल रही हूँ। आप मेरे चैनल में 5 मिनट में पोहा की नमकीन रेसिपी देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पोहा को तलकर तैयार कर लिया है। मैं चना दाल को 7-8 घंटे भिगोई थी और इसे छान कर अभी तलकर रख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते को मैंने तल लिया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर डालें मिक्सर में, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मेरे पास कुछ कॉर्नफ्लेक्स था तो मैंने भी इसे तलकर अभी डाल रही हूँ। अभी हम मिक्सर के लिए एक बढ़िया मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर नमक, काला नमक, हींग, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, पुदीना पाउडर और चाट मसाला है। हम इन सभी को मिला लेंगे अच्छी तरह से। पुदीना पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर डालें। आप इसमें जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, ओनियन पाउडर डाल सकते हैं, टमाटो पाउडर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें। चीज़ों को मिला लेंगे और मिक्सर तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें हैं, मोटा सेव, पतला सेव और बूंदी और बाकी सारी चीज़ें हैं। किसी भी एक बड़ा बर्तन में आप सभी चीज़ों को एक एक करके डाल दीजिए। मैं अभी सेव डाल रही हूँ, अभी हम इसे हाथ से तोड़ लेंगे इस तरह से। एक एक सर्व करके सभी चीज़ें हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए बड़ा वाला सेव है, इसे भी हम इस तरह से तोड़ लेंगे। ये बूंदी है, इसे भी हम मिला लेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी हम इसमें डाल देंगे चना दाल, मूंगफली और पोहे को, इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ जो तला हुआ कड़ी पत्ता, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तली हुई कॉर्नफ्लेक्स को डाल दीजिए और इसे भी मिक्स कर लीजिए।
अगर आप खट्टा मीठा टेस्ट लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पाउडर चीनी डाल दीजिएगा। अभी डालेंगे हम तैयार की हुई मसाला और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप दोनों हाथों से भी मिला सकते हैं। मिक्सचर में मसाला अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अभी मिक्सचर तैयार हो गया है, आप इसे एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लीजिए। आप इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, एक दो दिन में ही ख़त्म हो जाता है ना। तो फिर चलिए, मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसके बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।